हेलो व्हाट्सअप गाइस, नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त अनमोल और आप सभी का मैं स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम फूड एंड इंटीरियर है। दोस्तों, आज का जो हमारा एपिसोड है ना, उसमें हम इंटीरियर की बात करने वाले हैं। जो भी टेंट्स वगैरह के इंटीरियर होते हैं, जो भी उसमें फाइबर का काम होता है, चाहे वो जो दूल्हा दुल्हन का स्टेज होता है उसका जो बैकग्राउंड होता है वो फाइबर से कैसे प्रिपेयर किया जाता है, जो भी मूर्तियाँ होती फाइबर की, अगर आप देखेंगे तो ये मूर्तियाँ हैं जो, ये कैसे प्रिपेयर की जाती हैं, ये पिलर्स जो होते हैं जो हम टेंट्स में लगे हुए देखते हैं वो कैसे प्रिपेयर होते हैं, और दूल्हा दुल्हन की जो एंट्री होती रॉयल एंट्री जिसे हम कहते हैं, तो उसमें जो बैकग्राउंड होते हैं वो कैसे बनाए जाते हैं, वो सारी चीज़ें आज हम आपको दिखाने वाले हैं। तो चलिए हमारे साथ आपको सारी चीज़ें दिखाते हैं और यहाँ के जो ओनर हैं उनसे भी आपको मिलवाते हैं, वो यहाँ की जो भी चीज़ें हैं, जो भी वो प्रिपेयर करते हैं, वो कैसे प्रिपेयर करते हैं, वो सब आपको बताएंगे। क्या नाम है पंडित जी आपका? राजेश गर्ग। राजेश गर्ग जी। और ये आपकी जो कंपनी है उसका क्या नाम है? क्लासिक फाइबर। क्लासिक फाइबर। कितना समय हो गया इसको करीब? इसको हो गया अभी अपने को 15 साल हो गया यहाँ काम करते हुए। 15 साल जबलपुर में। अच्छा। इसके पहले अपन इंदौर में करे, 10 साल इंदौर में काम था अपना। अच्छा। और जबलपुर में वैसे और कहाँ कहाँ पर है ये, या एमपी में कहाँ कहाँ प्रिपेयर होता है ये सारा सामान? एमपी में तो होता है, इंदौर है, भोपाल है, लेकिन जबलपुर में सिर्फ अपने यहाँ होता है। अच्छा। जबलपुर में पूरा महाकौशल में अपन सप्लाई देते हैं। अच्छा। और ये बेसिक ये होता क्या है, मतलब कौन सा मटेरियल होता है ये? ये फाइबर ग्लास होता है और एक केमिकल आता है, रेजिन बोलते हैं, एपॉक्सी रेजिन है, और रेजिन की भी अलग वैरायटी क्वालिटी होती है, जिसमें कि जेपी रेजिन अपने को ज़्यादा यूज़ होता है इस काम में। अच्छा। ये टेंट संबंधित काम करते हैं अपन अभी फ़िलहाल में कर रहे हैं, और फाइबर के प्रोडक्ट बहुत सारे हैं, कुछ भी अपन बना सकते हैं, इंटीरियर का, आउटडोर का, हर प्रकार के काम इसमें होते हैं। अभी अपन टेंट संबंधित काम कर रहे हैं जी। और जैसे ये दूल्हा दुल्हन की जो रॉयल एंट्रीज होती है जी, ये तो बहुत बेसिक मॉडल रखा हुआ है आपके पास? हाँ हाँ। मैंने बहुत सी, इसमें बहुत सारे मॉडल हैं अपने पास में, जैसे अभी बाहुबली चल रहा है। अच्छा। पद्मावत एंट्री चल रही है। हाँ। और ये बतख वाली एंट्रियाँ चलती हैं, तो ये चेंज होती रहती है, जैसा मॉडल अपने पास में ऑर्डर आते हैं, पार्टी के फोटोज आते हैं बाहर से, उस प्रकार के हम बना के पार्टी को अवेलेबल करा देते हैं। और ये मूर्तियाँ भी मैंने देखा है, बहुत एंटिक एंटिक मूर्तियाँ भी जी जी जी, मूर्तियाँ सभी प्रकार की बनती हैं अपने यहाँ पर, 1 फुट से लेकर के 28 फुट तक की मूर्ति अभी अपन ने बनाई है। अच्छा। शिव भगवान की भी 28 फुट की मूर्ति बनाई थी, जो कि ओमकारेश्वर गई हुई है। अच्छा। ओमकारेश्वर में लगी हुई है। बड़े बड़े पहाड़ फाइबर के बनते हैं, सभी प्रकार की मूर्तियाँ अपने यहाँ बनती हैं। तो अगर जैसे किसी टेंट वाले का सामान कुछ ऐसा है कि मूर्तियाँ या कुछ डैमेज हो गई हैं, तो वो सारी चीज़ें भी रिपेयर हो जाती हैं? जी हाँ, ये फाइबर एक्चुअल क्या होता है कि ये रिपेयरेबल है। हाँ। कभी भी अपन इसको रिपेयर कर सकते हैं, 100 साल तक अपना चलता है, इसकी कोई धूप और पानी में या ख़राब नहीं होता। धूप में पड़ा हुआ है, आप देख रहे हैं बहुत सारा माल इधर से इधर सब पड़ा हुआ है, तो ये धूप में ख़राब नहीं होता है, बारिश में ख़राब नहीं होता है, बट क्रैक हो जाए या डैमेज हो जाए, कोई पार्ट अलग हो जाए, तो वो पार्ट अपन बना देते हैं, रिपेयर कर देते हैं। कभी किसी भी टेंट वालों को कुछ ऐसा कराना हो तो अपने से करा सकते हैं। ठीक है पंडित जी, बहुत जानकारी देने के लिए धन्यवाद जी। धन्यवाद भाई साहब, आपका बहुत बहुत। दोस्तों, जब हम इनके कारखाने पर गए तो हमें बहुत सा सामान देखने को मिला, और इन सभी सामान को तैयार करते लोग भी दिखे। फाइबर के बड़े बड़े पिलर्स और रॉयल एंट्री के लिए जो रथ तैयार किए जाते हैं, उनका बेसिक स्ट्रक्चर कैसे लोहे की सरियों की मदद से तैयार किया जाता है, कैसे फाइबर में फिनिशिंग दी जाती है, और कैसे केमिकल की मदद से फाइबर को वाटरप्रूफ बनाया जाता है, इन सारी चीज़ों की प्रोसेस को भी हमने यहाँ पर देखा। फाइबर की कई डैमेज मूर्तियाँ भी यहाँ पर रखी हुई थी दोस्तों, जो रिपेयरिंग के लिए यहाँ पर आई हुई थी। और जैसे स्कूल कॉलेजों में बड़े बड़े पहाड़, नदी, पर्वतों को छोटे छोटे नमूनों की मदद से बताया जाता है, सिखाया जाता है, वो सारी चीज़ें भी यहाँ पर, वो सारे नमूने भी यहाँ पर प्रिपेयर कर दिए जाते हैं। दोस्तों, ये जो आप स्ट्रक्चर को देख रहे हैं ना, इसे कांच और प्लाई की मदद से बनाया गया है। एक एक कांच को कट करके फेविकॉल से चिपका कर इतने सुंदर स्ट्रक्चर को तैयार किया गया है, और इसको बनाने के जो कारीगर हैं ना, उन्हें दिल्ली से स्पेशली बुलवाया गया है। गर्ग जी ने हमें बताया कि ये पूरा माल शहडोल जा रहा है,
और हमारे पास में पूरे मध्य प्रदेश से ऑर्डर आते हैं। जिसकी जैसी रिक्वायरमेंट होती है उसे उसके हिसाब से ही, उसके डिज़ाइन से ही जो भी माल होता है वो प्रिपेयर करके दे दिया जाता है। अगर आपका भी टेंट का काम है या फिर ये सारी चीज़ें आपके किसी भी काम आ सकती हैं तो आप यहाँ से ये सारी चीज़ें प्रिपेयर करवा सकते हैं। आप मध्य प्रदेश में कहीं से भी हों, आप यहाँ पर अपना ऑर्डर लिखवा सकते हैं, बनवा सकते हैं, आपको ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करा दी जाएंगी। इनके जो रेट हैं वो भी बहुत रीज़नेबल होते हैं। इनका कॉन्टैक्ट नंबर हमने अपने डिस्क्रिप्शन लिंक में दिया है दोस्तों, आप इनसे बात कर सकते हैं, आपकी कैसी रिक्वायरमेंट है इन्हें बता सकते हैं और अपना माल प्रिपेयर करा सकते हैं। आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। मिलते हैं एक और नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए टेल एंड टेक केयर। बाय बाय। नमस्कार। नर्मदे हर।